दोस्तों उड़ीसा से एक खबर निकल के आ रही है जहां के लोकप्रिय एमएलए किशोर कुमार मोहंती का बुधवार की शाम को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुआ है। अब कौन थे किशोर कुमार मोहंती और कहां के वो एमएलए थे तो आपको बता दें कि बज्रराजनगर के विधायक और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुमार मोहंती का बुधवार की शाम को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुआ है और मोहंती के परिवार वालों ने ये जानकारी दी है। वही आपको बता दें कि विधायक के परिवार वालों ने कहा है कि 63 वर्षीय मोहंती को झारसुगुड़ा में बीजू जनता दल कार्यालय में बैठक में भाग लेने के दौरान दिल का दौरा पड़ा है और फिर उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वही किशोर कुमार मोहंती पहली बार 1990 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह 2004 से 2008 तक सरकार के मुख्य सचेतक और 19 अगस्त 2008 से 25 मई 2009 तक विधानसभा के अध्यक्ष थे। मोहंती 2014 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। किशोर कुमार मोहंती ने छात्र राजनीति के माध्यम से पश्चिमी उड़ीसा की राजनीति में अपनी पैठ जमाई थी। वे पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे। वही मुख्यमंत्री नवीन पाठक और विधानसभा अध्यक्ष एसएन पात्रो ने मोहंती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पाठक नायक ने कहा, किशोर कुमार मोहंती के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वह पार्टी के एक कुशल और लोकप्रिय नेता थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि झारसुगुड़ा में बीजू जनता दल के कार्यालय में वो बैठक के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा जहां से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर उन्होंने उस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बाकी दोस्तों किशोर कुमार मोहंती के निधन के बाद आप क्या सोचते हैं? अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।